हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सब जानकारी और हम इस वीडियो में बात करेंगे आज यूएन नंबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका यूएन नंबर जारी हो चुका है और आपको नहीं पता है कि आपका यूएन नंबर कौन सा है तो कैसे पता करेंगे, आधार नंबर से हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो इसके लिए हमें चलना होगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू से शुरू करते हैं वीडियो और चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसमें यदि आप फ़ोन में ओपन कर रहे हैं तो फ़ोन में आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड में ओपन करना है। जैसे आप डेस्कटॉप मोड में ओपन करते हैं उसमें आपको टाइप करना है ई पी एफ ओ टाइप करना है। देन सर्च करेंगे, इसमें आपको फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा हमारे सामने, जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको इस ऑनलाइन क्लेम मेंबर ट्रांसफ़र इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं ये आपको सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसमें आपको क्लिक करना है नाउ योर यूएन, इसमें ये ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है, इस कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो आपने पीएफ में पहले सेव कर रखा होगा वह नंबर आपको इसमें डालना है। फ्रेश भी डाल सकते हैं, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ 88। तो नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके करेंगे। अब आपके पास ओटीपी सेंड हो गया आपके मोबाइल नंबर पे जो अभी डाला था, तो ओटीपी हमारे पास आ चुका है। हम ओटीपी मेंशन करेंगे, उसके बाद दोबारा से फिर से एक बार कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड दोबारा एंटर किया, उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक किया, तो ओटीपी वेरीफाई हो गया है हमारा। अब नेक्स्ट डिटेल का पेज खुल जाएगा, इसमें आपको अपना नाम एंटर कर लेना है। अपना सेल्फ नेम, पूरा नाम क्या है एंटर कर लेना है। उसके बाद इस कैलेंडर में आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो हमने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ आप आधार दे सकते हैं और अपना पैन कार्ड भी दे सकते हैं एंड मेंबर आईडी भी दे सकते हैं। मेंबर आईडी के द्वारा आप सर्च करना चाह रहे हैं तो मेंबर आईडी, यूएन नंबर है आपके पास तो यूएन नंबर टाइप कर सकते हैं। हम आधार नंबर से चेक करके बताएंगे दोस्तों आपको, तो हम अपना आधार नंबर मेंशन कर देते हैं। पूरा आधार नंबर एंटर किया एंड आपको कैप्चा कोड फिल करना है। उसके बाद आप शो माय यूएन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आप एरो में देख पा रहे हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नई डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, इसमें आपका शो हो जाएगा कौन सा यूएन नंबर आपके आधार से लिंक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि कैसे चेक करें आधार नंबर से आपका यूएन नंबर कौन सा लिंक है या नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली ऐसी नॉलेजर वीडियो आपको मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।